सेमिनार अपना प्रोग्राम लेकर आई हूँ बातों ही बातों में। बातों ही बातों में इस प्रेजेंटेड बाय के ट्रेवल्स योर वन स्टॉप ट्रेवल शॉप को प्रेजेंटेड बाय स्वागत बैंक्वेट हॉल अ प्लेस वेयर हॉस्पिटैलिटी मैटर्स। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ समीना, फिर हाजिर हूँ अपना प्रोग्राम लेकर बातों ही बातों में प्रेजेंटेड बाय के ट्रेवल्स। के ट्रेवल्स योर वन स्टॉप ट्रेवल शॉप। उनका फ़ोन नंबर है 6479245299। को प्रेजेंटेड बाय स्वागत बैंक्वेट हॉल। स्वागत बैंक्वेट हॉल अ प्लेस वेयर हॉस्पिटैलिटी मैटर्स। और खास उनका फ़ोन नंबर है 9058219688। आप 6473893549 पर को भी कॉल कर सकते हैं। अब नाज़रीन मैं शुरू करूंगी अपना प्रोग्राम आज की बात से। और आज मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि दुनिया चारों तरफ से बहुत खूबसूरत है, और जब हम बात करते हैं खूबसूरती की तो हमारे दिमाग में, हमारी चीज़ों में सबसे पहले हमारी अपनी खूबसूरती आ जाती है। हम इंसान जो है वो अंदर से भी जितना खूबसूरत होना चाहिए उतना ही उसे बाहर का भी बहुत होता है कि मेरा अपीयरेंस भी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आज मेरे स्टूडियो में इस खूबसूरती से ही ताल्लुक़ रखने वाली ऐसी दो खवातीन मौजूद हैं जो खुद ही बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अंदर से भी बाहर से भी, और वो लोगों को खूबसूरत बनाने का काम करती हैं। आप नेचुरली समझ गए होंगे। आज मेरा जो शो है उसका भी ताल्लुक ब्यूटी के उसी से है। और मेरे स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं दो खवातीन। उनमें से पहली तो हैं मेरी को होस्ट, जो मेरे साथ को होस्ट क्या करती थी और सब आप जान गए होंगे, हैं गोला सर। और इनके साथ मेरे साथ जो दूसरी हैं उनका नाम है इर्मी रिस। तो इर्मी जो है वो भी जीटीए की बहुत ही मशहूर खवातीनों में से हैं। तो मैं आप दोनों को वेलकम करती हूँ। आप लोग दोनों कैसी हैं? अब मैं नाज़रीन मैंने इनको वेलकम तो कर दिया, और मैं आगे ज्यादा बात को नहीं बढ़ाऊंगी क्योंकि टॉपिक दो माहिर ख्वातीन के साथ है तो जारी बात है लंबा ही जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं गुल को मैं मुबारकबाद देती हूँ कि आज वो इधर से उधर चली गई हैं और उन्होंने जो है अपना नया स्टूडियो खोला है, नया सैलून खोला है, और माशाल्लाह बहुत बिजी जा रही हैं। तो गुल आप थोड़ा सा अपना बताएं, क्योंकि आपको सब जानते हैं, आप हेयर स्टाइलिस्ट हैं, लेकिन आपने जो अभी जो जिम्मेदारी ली है, वी ऑल नो कि आप बिजी हो गए हो बहुत, तो आप थोड़ा सा अपना बताएं कि आपने क्या खोला है, कहाँ खोला है और क्या कर रही हैं। जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम समीना, और अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, और थैंक यू सो मच समीना आपने। और ये जो कहा कि आपने उस चीज से, मैंने यहाँ पर एक क्या कहेंगे कि जो भी है एनीवेज, लेकिन उस सीट को भी मैंने भरपूर एंजॉय किया, और इस सीट पे बैठने का भी एक अपना मज़ा है। और आपने आज हमें इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। इतने मेहमानों, मुझे पता है लाइनअप होती है यहाँ पर कैसे, और कैसे आपने फिर डिसाइड करना होता है कि किसको पहले टाइम दिया जाए और किस तरह से इंटरव्यूज लिए जाए। थैंक यू। अब आप मुझे अपने बारे में बताएं, मैं नाज़रीन को, कि आपने कहाँ पर, क्योंकि मोस्टली लोग जीती है मिसेस आगा में आपको जानते हैं, तो आप बताएं कि आपने कहाँ सैलून कर लिया, किस नाम से खोला है और कहाँ पर है आप? जी मीना, आप जैसे जानती हैं कि यहाँ पर 18 इयर्स ऑलमोस्ट हो गए हैं मुझे कनाडा में आए हुए, और जब से आए हैं यही काम कर रहे हैं। और आपको पता है कि जब आते हैं तो हमारा कुछ और ही प्लान होते हैं, आइडिया नहीं होता, मगर आपको पता है यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको करना ही होता है। तो मैंने अपनी इस फील्ड को कंटिन्यू किया, और मैंने इसी फील्ड से रिलेटेड ही काम करती रही, डिफरेंट कोर्सेज किए, वो तो आपको पता है उसी में जो मजा है। हाँ। उसी में जो मजा है जिंदगी का, बहुत ही वो जिसे कहते हैं पूरी भरपूर जिंदगी बड़ी अच्छी लगती है, काम बड़ा अच्छा लगता है अगर आप स्ट्रगल करके आगे बढ़ते हो। Exactly. तो और कितनी आपको हार्डशिप्स आती हैं, और हम औरतों को जब घर पे हम काम करते हैं, बाहर भी काम कर रहे होते हैं, और हम फैमिली को भी देख बैलेंस करके लाइफ को चलना हम सारी खवातीन के लिए बहुत मुश्किल है। और आपको याद होगा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब मैं यहाँ पर आई थी तो मेरा कोई प्लान नहीं था अपना इसी काम को करने का आगे से, ब्यूटी से रिलेटेड, लेकिन जब मैंने डिसाइड किया मुझे करना है तो मैंने दोबारा से फिर इसी में ही मैंने सोचा कि नहीं, मुझे यही मेरा, मुझे आइडिया था कि मेरा पैशन है ये काम, लेकिन ज़रूरत भी है हमें। और फिर आपको पता है समीना कि यहाँ पर आकर हमें सर्टिफिकेशन की कितनी ज़्यादा, कैनेडियन जो गवर्नमेंट है ये आपको आगे प्रॉपरली काम नहीं, प्रॉपर लाइसेंस, जी लाइसेंस के लिए, फिर हम लोगों का ये होता है कि लाइसेंस के बाद हमें मिनिस्ट्री से बकायदा लाइसेंस भी लेना पड़ता है, डिप्लोमा एंड फिर लाइसेंस लेना पड़ता है। तो ये सफर बहुत अच्छा रहा मेरा, करते रहे काम, दूसरों की बहुत खिदमत की, दूसरों के लिए भी काम किया,
कुछ अरसे से अपना खुद ही कर रहे थे, अब माशाल्लाह से मैंने अपना सेटअप किया है। किस नाम से किया है? मेरा हेयर केयर स्टूडियो को ही लेके मैं आगे चल रही हूं। उसी नाम से जो हमेशा से जी, लेकिन अब यह है कि अब एक कंप्लीट अंडर वन रूफ आपको वहां पर सारी आपको मिल जाएंगी, फैसिलिटीज हैं वहां पे, लेजर की भी है, माइक्रोब्लेडिंग है, मेकअप है, इर्मी भी मेरे साथ है, और दूसरी हमारे पास हमारी कंप्लीट एक टीम है अब। ठीक है, और आपका एड्रेस आप बताना चाहोगी? एड्रेस जो है वो आपको स्क्रीन पे दिखा दिया जाएगा पूरा कंप्लीट। अच्छा, तो इस तरह से अब देखें इंशाल्लाह। जी, अच्छा, अब आपके साथ आपके बगल में जो बैठी है नाजरीन, वो भी कोई मतलब कहूंगी कि उनकी तारीफ मैं अगर करने बैठी तो मैं उनकी डिग्रियां और उनके बारे में बताने में चली गई तो इंटरव्यू तो वहीं का वहीं रह जाएगा। और आप लोगों को पता है कि मेरी हमेशा आदत होती है कि मैं अपने गेस्ट को कहती हूँ कि आप खुद ही बता दो ताकि मेरे क्वेश्चन में मैं फिर इजिली इन्वॉल्व हो जाऊँ, ना कि मैं आपको जो है ना उनकी ये बताती फिर उनकी, क्योंकि माशाल्लाह जब 20-25 साल वैसे भी हमें हो जाते हैं, 20-20 साल से हम काम कर रहे होते हैं तो हमारी एक आइडेंटिटी ऑलरेडी बनी हुई है, लोग हमें पहचानते हैं और हमें मालूम है कि हमने किस तरीके से आगे बढ़ा। बिल्कुल। तो अब इरमी आप मुझे थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड बता दो कि आप कहाँ से, आपने कब शुरू किया, आपका बाय, बस ये थोड़ा सा बता दो ताकि फिर मुझे आई नो कि आप बहुत बड़े बड़े शोज करती हो, उस पर मैं बाद में आती हूँ, लेकिन आप मुझे पहले ये बता दो। इस फील्ड में मैं ऑलमोस्ट 15-16 ईयर्स से हूँ। पाकिस्तान से मैंने मास्टर्स किया हुआ इकोनॉमिक्स में। अच्छा। देन या व्हेन आई मूव्ड हियर फाइनेंशियल प्लानिंग मैंने एडमिशन लिया था शार्डन कॉलेज से, बट देन फॉर सर्टेन रीजंस मुझे स्विच करना पड़ा अपना करियर। तो मैं पेंटिंग्स एज अ हॉबी भी करती थी, तो देन आई रियलाइज यू नो जस्ट फॉर फन फ्रेंड्स के फैमिलीज के मेकअप करती थी, इंजॉय करती थी उस वक्त। अगेन आई डिडंट रियलाइज ये भी मेरा पैशन था, सारा कुछ अंदर था, अंदर छुपा हिडन आर्ट था ये। तो फिर हम लोगों ने इस तरह से मैंने फिर देन आई रियलाइज आई शुड डू समथिंग कि मैं बच्चों के बाद स्पेशली। तो मतलब ये हुआ कि आप पाकिस्तान से एज इकोनॉमिक्स पढ़ कर आई, मास्टर्स कर कर आई, और वही अगेन यहाँ पे जैसे गुल ने सेम पैशन अपना कंटिन्यू किया जो कि एक कंटिन्यू रहा। लेकिन बहुत से जो लोग होते हैं वो टोटली स्विच हो जाते हैं, जैसे मैं भी हूँ, टोटली हम लोग स्विच हो जाते हैं कि हम कर क्या रहे होते हैं और आके करते क्या। और बस लोग तो अभी तक नहीं सोच पा रहे कि हम करना क्या है, लेकिन जब हमको और हमें हर प्रोग्राम में ये बात तो आई जाती है कहीं ना कहीं से कि ये लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, इट गिव्स यू मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज। आपकी जो टैलेंट है उसको निकाल दो। आपका जो था वो पेंटिंग की तरफ नहीं गया, स्कल्पचर्स की तरफ नहीं गया, ह्यूमन की तरफ गया, ह्यूमन की तरफ गया, रियल ह्यूमन की तरफ, उनको ब्यूटीफाई करने के लिए। और आजकल तो ये बहुत बड़ी नीड है, राइट? तो अब आपने इतने अरसे से फिर आपने इसको स्टार्ट किया, आपने प्रॉपर कोर्स सर्टिफिकेशन किया सारा कुछ, और फिर मैंने प्रोफेशनल सेटिंग्स में काम भी किया, फिर देन अगेन आई रियलाइज कि अपना करना चाहिए अब, तो आई वर्क एज अ फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट। तो अब फ्रीलांस आप अभी इसीलिए कर रहे हो कि क्योंकि यू हैव सम अपनी फैमिली को भी टाइम देना है, आपके पास ज्यादा टाइम देना है। और अब अगेन नाज़रीन मैं यहाँ कहूंगी, अगेन हम वो उन ख्वातीन की बात करते हैं कि जो एक तो घर में होती हैं तो वो कहती हैं कि नहीं, वी आर होम मेकर, हम बच्चों को भी देख रहे हैं, हम खाना भी पका रहे हैं, हम ये भी कर रहे हैं, लेकिन वो भी एक बहुत बड़ी बात है। औरतें बहुत सी वो भी नहीं कर पाती हैं, वो भी एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो औरतें काम कर जिनको अपने बच्चों के लिए आगे बढ़ाना होता है, ये नहीं होता कि हम कनाडा में तो खुला आसमान हमारे आगे है, हमें सिर्फ पकड़नी है अपॉर्चुनिटीज, और हमने जो है अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए फाइनेंशियल हेल्प भी चाहिए होती है। इवन दो कभी ऐसे हालात हो जाते हैं कि एक पार्टनर की अच्छी जॉब भी होती है तो भी पूरा नहीं पड़ता। सही बात, क्योंकि आपके अपनी एक कमिटमेंट्स होती हैं, आपकी ऐसी नीड्स होती हैं जो आप हर एक से नहीं ले सकते, राइट? तो उसको कंटिन्यू किया आपने, ये भी बहुत बड़ी बात है। और कि आपने जो है अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए जो है ना अभी तक फ्रीलांस ही आप करते हो, और फ्रीलांस होने के बावजूद आप माशाल्लाह इतने मशहूर हो कि आप जिस शो में जाओगे आपको इरमी नजर आएंगी, जहां भी आर्टिस्ट का नाम आएगा वहां इरमी नजर आए। तो ऐसे कैसे पहुंचते हो आप सबके पास? बहुत लंबा हार्ड वर्क है हम लोग का, लंबा जर्नी है हम लोगों का, कि हम लाइक हम लोग स्पॉन्सरशिप्स भी करते हैं शोज वगैरह को, और उधर से इस तरह से होता है कि देन आपका नेम जो है तेजी से स्प्रेड भी होता है, आपकी प्रैक्टिस भी होती है, आप आगे बढ़ते हैं, आप लोगों से यू नो पर्सनली जब मिलते हैं, आपका काम देखते हैं, वो एक अलग ही
तो अब आप मुझे बताओ, जब आप काम की बात कर रहे हो, जैसे गुल का हमें पता है, आप दोनों का, मुझे बताओ आजकल किस टाइप का मेकअप ट्रेंड चल रहा है, व्हाट ट्रेंड्स यू लाइक एंड यू डोंट लाइक, और आपका भी मैं पूछूंगी कि बैलेंस हो कुछ, आपके बाल का ट्रेंड आप भी हमें बताएं आजकल क्या चल रहा है, क्योंकि आजकल तो हर बंदा 80% तस्वीरें लाके दे देगा हमें ऐसे बनना है, तो आप क्या बोलते हो उसके बारे में? एक मिनट यार, मैं आपकी बात स्टार्ट करने से पहले एक कहना चाहूंगी, कुछ जैसे अभी आपने पूछा कि कैसे आप लोग इस तरह से पहुंचे, देखिए स्मीना की एक होता है पैशन, ठीक है, एक होता है आपका आप सिर्फ उसे एज अ बिजनेस ले रहे हो, ठीक है, ऐसा चांस है। मैं बड़ी शॉर्ट उसमें बताना चाहूंगी कि मैं इर्मी से कैसे मिली और कैसे हम लोगों का शुक्र है एक हमारी टीम बन गई, और हुआ ये कि सिर्फ हमने ये मैंने देखा, इरम को मैं जानती थी, इरम को बाय नेम मैं जानती थी, मुझे पता था इसका काम, मुझे अच्छा लगता था, मैं देखती थी उससे, फॉलो करती थी मैं, और जब मैंने देखा कि ये जिस तरह से काम कर रही है, ये एक शो में मुलाकात मेरी हुई, तो मैंने जब देखा ये इरम है तो ये कैसे काम, इसे कोई बिल्कुल ये ऐसे मगन और काम, इसे कोई इर्द गिर्द की खबर नहीं, जैसे फ्रेम बना रहा हो, कैसे अपनी दुनिया में मगन है। तो मैंने जब इसे मिलना चाहा, तो जब मैंने देखा कि वाकई जो भी आप काम करते हैं सिर्फ आप एक प्रोफेशन ही नहीं उसे लेके बिजनेस के लिए ही नहीं कर रहे होते, कि आपको कितना रिलीफ मिल रहा होता है वो काम करने में, कि आप कितने इन्वॉल्व होते हो अपने काम में, आप कितने ऑनेस्ट हो अपने काम में, जब ये चीज मैंने फील की तो मुझे उसमें अपना अपनी सी थोड़ी झलक नजर आई जी, मुझे अपनी गुल भी ऐसे ही, मुझे अपनी झलक नजर आई, मुझे पता है उसने तो बस जान लगाया जो गुल अभी हो गए बाल ये बाकी है। तो जब मैंने ये देखा, मैंने कहा कि ऐसे लोग, स्मीना मैं इतने अरसे से काम कर रही हूँ, मैं इतने लोगों से मिली, मगर इस तरह के लोग मुझे नहीं मिले। सही है, माशाल्लाह, तभी तो आपकी टीम बनी ना जी, जैसे हमारी और आपकी टीम थी। जी बिल्कुल, और फिर कुछ सालों से मैंने देखा कि सबसे अच्छी जो बात है, और मैं मेरी दुआ है कि ऐसा ही रहे, कि सबसे कि ये लड़की अब सेम वही है जो पहले नहीं, मैं जिससे मिलती हूँ दिल से मिलती हूँ, काम भी दिल से करते हैं हम लोग, हर चीज फोकस होता है कि अच्छे से अच्छा काम दिया जाए। अब आप लोग मेरा सवाल का जवाब दें, ट्रेंड क्या चल रहा है? ट्रेंड ट्रेंड आजकल चले मिनिमल मेकअप चल रहा है, लाइक पहले की तरह इतना ज्यादा केकी और वो नहीं, बहुत मिनिमल, और लेकिन मिनिमल चल रहा है लेकिन चीजें बहुत लगती हैं, चीजें खैर बहुत लगती हैं, और मोस्टली देखिए स्किन केयर की तरफ लोग अपने काफी लोगों का वो अवेयरनेस हो गई है उसके बाद, फिर वो जब आपकी स्किन अच्छी होती है तो यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ मेकअप, तो और अगर बोल्ड लिप्स लगा लें, मस्कारा लगा लें, आईलैशेस एंड ऑल दैट, ऐसा लगता है कि मेकअप का लुक कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो वो एक नया ट्रेंड है, ये फिलहाल ये नया ट्रेंड सो फार चल रहा है, और ट्रेंड्स तो खैर बहुत सारे आते ही जाते रहते हैं, एक जो ट्रेंड मेन जो चल रहा है इस वक्त स्किन व्हाइटनिंग का चल रहा है, जो कि कुछ लोग इसको लाइक करते हैं, कुछ लोग नहीं भी लाइक करते हैं, लाइक a lot of people using creams and you know other stuff, gora banana gora banane ke liye, bas ye gora banane ke chakkar mein mare jaate hain, even I think injections yeah, but it's sometimes it's scary because isme toxic levels zyada hota hai, aapki skin ko damage ho sakta hai, to aap log matlab jaise basically main kahungi ki makeup ke trend se, I'm sorry mera matlab ye tha ki aaj kal ki jo young generation hai ya jo old teen generation ho jati hai, koi 16 17 saal 18 saal ki umar ki ho jati hai, phir 20, 25 और यंग एज का सबका बहुत डिफरेंट होता है। अच्छा, क्योंकि मतलब ये होता है ना कि बास दफा आ गई, एक मैं आ गई, मैंने कहा मैं तो हूँ सारी, चलो मैंने कह दिया मैं सीनियर हूँ, राइट, लेकिन मैं कहूँगी मुझे जो ऐश्वर्या राय बना दो, मुझे जो है ना दीपिका बना दो, तो तुम क्या करोगी, क्या मुझे बाहर निकाल दोगी या बना दोगी, मुझे ये बताओ। ये जो क्वेश्चन मैंने कैसे पूछा, आप दोनों से आपको भी मुझे बताऊंगा, वही ये क्वेश्चन करती है ना किस्म से, ये बैलेंस कर देती है हर चीज को। अच्छा, सबसे पहले तो मैं कहूंगी इसमें देखो ज्यादा चीजों को फेस करना पड़ता है ना हम दोनों को ही, लाइक हेयर एंड मेकअप वालों को, कि यहाँ पे मल्टी कल्चर, ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट हर कम्युनिटी है, हर फैशन है, हर एक ट्रेडिशन जिनका जो भी है वो साथ लेकर आए हैं यहाँ पर,
और उसको ही फॉलो भी करते हैं लोग, फिर यहाँ से जो हमने बहुत कुछ अडॉप्ट किया हुआ है तो उस चीज को बैलेंस करने में बड़ा मुश्किल हो जाता होगा, मुश्किल हो जाता है। बट उसके लिए कि क्लाइंट को फिर हम एजुकेट करते हैं, कंसल्टेशन करते हैं, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड एज मच एज यू नो कि वो क्या चाह रहे हैं वो लोग। मतलब अगर आप एक देखते हो कि भाई आप जो है ना, अगर आपको मैश्वर्या राय तो बना दूं, लेकिन कुछ तो मिले तो आपको अब समझाना पड़ता है, समझाना पड़ता है ये चीज आपको सूट नहीं करेगी ये चीज, क्योंकि बाज आर वेरी स्ट्रांग, बाज लोग समझते हैं, बाज लोगों को पता होता है कि मैं ऐसे नहीं हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ एक देख आपको ट्राई कर रहे होते हैं कि आप क्या कर रहे हो। मैंने पीपल व्हेन दे कम देयर 80% पीपल विल कम टू चैलेंज यू, अपने आप को वो नहीं देखेंगे, उसमें फिर वही बात आ जाती है एक्सपीरियंस काउंट होता है हम लोगों का, और दूसरा समझाना है समझाना है तो उससे माशाल्लाह 90% यू नो अच्छा एक्सपीरियंस ही होता है हम लोगों को, क्लाइंट पे अंडरस्टैंड करने लग जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेंड जो वो चल रहा है वो ये है कि मतलब ट्रेंड तो आपने बताया भी चल रहे हैं, लेकिन ये कि आजकल ये बोल लिप्स का ट्रेंड तो बहुत ही हो गया है, बहुत हो गया, लेकिन मिनिमल मेक पहले जो था ना फुल केक ऑन मेकअप लोग लाइक करते, समझते थे वो होगा तो हम ब्यूटीफुल लगेंगे या हम स्टैंड आउट करेंगे, ऐसा नहीं है। और फिर इसमें जब आप मेकअप, चले मैं ऐसा करती हूँ नाज़रीन कि मुझे जो है ना ब्रेक पे जाती हूँ, इसके बाद अगर मैंने ये सवाल पूछा तो मेरी ब्रेक कट जाएगी बीच में, तो मैं यहाँ पे लेती हूँ छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आती हूँ और फिर कंटिन्यू करती हूँ यहीं से इर्मी और कुल के साथ। बातों ही बातों में इज प्रेजेंटेड बाय के ट्रेवल्स, योर वन स्टॉप ट्रेवल शॉप, को प्रेजेंटेड बाय स्वागत बैंक्वेट हॉल, अ प्लेस वेयर हॉस्पिटैलिटी मैटर्स। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बातों ही बातों में प्रेजेंटेड बाय केके ट्रेवल्स, केके ट्रेवल्स योर वन स्टॉप ट्रेवल शॉप, और उनका फोन नंबर है 6479245299। को प्रेजेंटेड बाय स्वागत बैंक्वेट हॉल, स्वागत बैंक्वेट हॉल अ प्लेस वेयर हॉस्पिटैलिटी मैटर्स। स्वागत बैंक्वेट हॉल का फोन नंबर है 9058219688 और आप 6473893549 पर फातिमा को भी कॉल कर सकते हो, और आपकी कोई भी ट्रैवल की नीड्स है या आपकी कोई भी इवेंट की नीड्स है आप केके को कर सकते हैं या फिर आप फातिमा को कॉल कर सकते हैं स्वागत बैंक्वेट हॉल में। तो हम बात कर रहे थे मेकअप के ऊपर और हेयर के ऊपर गुल से, तो मैं यहाँ पर इर्मी आपसे एक चीज़ ये पूछना चाहूँगी कि आप माशाल्लाह हर जगह होते हो, मैं देखती हूँ आप रिनाउंड पर्सनालिटी हैं मिसेस आगा की, जैसे गुल हैं जहाँ आप मेकअप कर रहे होते हो, हेयर स्टाइल बना रहे होती है, गुल के पास भी चैलेंजेस होते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट बाल होते हैं, कहीं बड़े हैं कहीं छोटे हैं कहीं लाइट है, कोई भी आपके पास स्किन का होता है, किसी की स्किन डार्क है किसी की ग्लोई है, हर तरीके का अल्लाह ने इस कायनात में हर तरीके का इंसान बनाया। अब आप मुझे ये बताओ कि जब आप मॉडल्स का मेकअप करते हो, ठीक है ना, अब एक शो आप कर रहे हो, फैशन शो कर रहे हो, तो एक मॉडल को तैयार करने में आपको कितना टाइम लगता है, एक बात। दूसरी बात मैं आपसे ये पूछूंगी कि आप जो है ये जो टेक्नोलॉजी, क्योंकि मॉडल का मेकअप टोटली डिफरेंट है या नहीं, आप मेकअप से कुछ डिफरेंट चीज करनी पड़ती है या नहीं, ये थोड़ा सा बता दें। मॉडल्स का मेकअप देखें डिपेंड, तो शोज पर डिपेंड करता है, हमको मैक्सिमम हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स मिलते हैं फॉर मॉडल का मेकअप, समटाइम्स 20 मिनट्स, डिपेंड्स ऑन द टाइम और शो के उस पर, अच्छा मॉडल्स की नंबर्स पर डिपेंड करता है। और उसमें एक चीज ये भी ऐड करना चाहूंगी, तो हम लोग को मजा बहुत आता है अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का, राइट हर मॉडल एक डिफरेंट होती है, डिफरेंट होती है, डिफरेंट शो से डिफरेंट लुक्स होते हैं सारा कुछ। और मॉडल्स के मेकअप में इवेंट्स में जब हम जाते हैं उसके लिए हमें काफी ग्लैमरस मेकअप करना पड़ता है, अच्छा, जो कि स्टैंड आउट हो, लाइटिंग की वजह से डिफ्यूज ना हो जाए, उनकी कॉन्टूरिंग का हमें ख्याल रखना पड़ता है, इट मींस यू हैव टू स्पेंड मोर आइटम्स मोर थिंग्स ऑन अ मॉडल, यस राइट, क्योंकि उनका मेकअप का टोटल। तो आप इस पर आप मुझे ये बात एक एडवाइस करना चाहो कि आम पब्लिक को, कि अगर मैं कहूं कि आपने मॉडल को ऐसा बनाया, वो इतना खूबसूरत लग रही थी, तो आप मुझे भी ऐसा बना दें, कर सकते हो आप, कि आप ये कहोगे नहीं वो डिफरेंट है ये, बिल्कुल देखिए डिफरेंट है, डिपेंड्स ऑन द स्किन टाइप एज हर चीज, लेकिन मेकअप में सबके पर डिफरेंट, मतलब आप मेरा कहना मुझे का मतलब है कि मेकअप फॉर आर्टिस्ट इज टोटली डिफरेंट देन मेकअप फॉर अ नॉर्मल पर्सन, बिकॉज आर्टिस्ट के सामने कैमरा होता है, शो करना है, उसके लिए डिफरेंट आपको चीजें इस्तेमाल करनी,
एक्चुअली ऐसे जैसे कोई प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें मॉडल्स वगैरह का होता है, तो उसमें ज्यादातर ये होता है कि उनको जो लुक चाहिए होती है वो पहले से एक आइडिया दे देते हैं कि उनको क्या लुक चाहिए, हेयर हो या मेकअप हो, इवन कलर्स का भी। तो और फिर आ जाते हैं बाद के लाइटिंग्स की, वहां पर लाइटिंग्स की, उनके सेटअप की, उनकी क्या थीम है, वो सारा कुछ वो उन लोगों ने एक सारी, वो भी एक कंप्लीट टीम होती है। तो ऐसा नहीं है कि खड़े होके कर दिया। नहीं जी, तो बात लोग समझते हैं ना कि मेकअप आर्टिस्ट है, आपने सिर्फ मेकअप ही तो करना है। इरम ब्लैक स्किन पर मेकअप बहुत अच्छा करती है। अच्छा, जैसे कि ना, अरे सिर्फ मेकअप तो करना है, आपने लाके ब्लश ऑन होकर लगा दिया, आपने तो कर लिया काम, आप क्या कर रहे हो, राइट? क्योंकि हमारे यहाँ मतलब ये कि सोच ही ऐसा है, कोई काम की वैल्यू नहीं करते लोग। मैं टू बी वेरी फ्रैंक मैं कहना चाहती हूँ कि जो लोग काम कर रहे होते हैं उन्हें पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप किसी का मेकअप कर रहे हो, किसी मॉडल का कर रहे हो या किसी भी आर्टिस्ट का कर रहे हो, अगर उसके आपके मेकअप से उसको रिएक्शन हो गया तो दे विल कम बैक टू यू। तो आपको प्रोडक्ट भी तो इस्तेमाल अच्छे करना है। इट्स नॉट अबाउट रिएक्शन आल्सो, इट्स लाइक अपने ऊपर देखें, हर बंदा थोड़ा बहुत यूज टू होता है अपने ऊपर मेकअप करने के लिए, उनको पता होता है अपने फीचर्स एंड ऑल दैट। हमारे सामने डिफरेंट कैनवस होता है, उसको अंडरस्टैंड करना, पर्सनैलिटी को, उस मौके को, हर चीज को अंडरस्टैंड करते हुए इतनी मेहनत से, वो उसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए, तो जिसके लिए हमने इतनी ज्यादा ट्रेनिंग्स ली हुई है, बट पीपल समटाइम दे डोंट रिकॉग्नाइज इट, वो इसको इजी लेते हैं। इट्स एन आर्ट बेसिकली, मेकअप हर कोई नहीं कर सकता, स्पेशली दूसरे लोगों के ऊपर। और जो जब तक प्रॉपरली ट्रेंड ना, properly trained के साथ भी properly experienced. Every time you get different people, और हमारे यहाँ हम फैशन शो में देख रहे होते हैं कि सिर्फ पाकिस्तानी लड़कियाँ नहीं होती हैं, लड़के नहीं होते, हर डिफरेंट कल्चर के लोग, टू मेनी कल्चर्स यहाँ पर, अफ्रीकन हैं, कोरे हैं, पोर्चुगीज, मतलब दुनिया के कल्चर है यहाँ पर, और मॉडल हर जगह का मॉडल है, इंसान तो हर तरीके का आर्टिस्ट है, राइट? तो अब आप मुझे ये बताओ, जब आप ये सब करते, आप माशाल्लाह काफी सारे शोज को स्पॉन्सर भी करते हो, और दूसरा ये मुझे ये बताओ कि अब जब आप प्रोडक्ट की बात आती है तो आप को, आई डोंट नो, आई शुड आस्क और नॉट, कि आपको प्रोडक्ट्स में कौन सी चीजें पसंद आती है, क्या चीज का, कौन सा प्रोडक्ट आपका फेवरेट है? चले मैं आपको ये पूछूं, ब्रांड्स सारे अच्छे हैं आजकल, बहुत ही अच्छे हैं। अगेन आपको यूज आना चाहिए उसको, कैसे आप मैक्सिमम उसको यूज कर सकते हैं, और अगर किसी को लाइक जल्दी में है और आपको अच्छा लगना है, आई वुड से मस्कारा और लिपस्टिक वगैरह एंड लिटिल बिट यू नो पाउडर फाउंडेशन, ये होना चाहिए आपके पास। तो ये प्रोडक्ट्स हैं जो आप चाहते हो कि एक खातून के हाथ में होने, पर्स में होने चाहिए, होने चाहिए। अगर वो कभी चली गई या कहीं जल्दी में उठ गई या कुछ भी है, तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए, दोबारा से बोल दो। फॉर मी, मेरे पर्सनली, मैं तो मस्कारा रखती हूँ, आईब्रो भी आपकी हो जाती है फटाफट, ये भी, और ऑन टॉप लिपस्टिक से ब्लश भी बना सकते हैं। अच्छा, वो मैंने कई मिनट पर देखा है, जब कुछ मेकअप किया जाता है ना, वही ब्लश ऑन, लिपस्टिक एंड वो आई पर भी टचिंग करके, एक्चुअली वही हो जाता है कि वैसे तो कॉम्बिनेशन होता है आपके पास डिफरेंट, मगर क्या चीज कैसे यूज की जाए। अब्दुल, मुझे आप बताओ कि आप बालों के ट्रेंड के बारे में, आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है बालों, क्या कौन से स्टाइल ज्यादा चल रहे हैं आजकल? जी मीना, ट्रेंड देखिए, अगर पहले शुरू से बात की जाए तो हमारे बैक होम में तो किया जाता था ना कि एज वाइज, ठीक है, जितने यंग होते थे उतने फैशन उनका राइट था, और जितने थोड़े से मेच्योर होते थे तो वो बस फैशन जो है वो मिनिमाइज करते चले जाते थे। यहाँ पर आए तो जो मुझे बहुत अच्छी बात लगी है और जो होनी चाहिए कि यंग एज में आपको इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती ओवर, मतलब फैशन और इस तरह की, लेकिन जैसे आप मेच्योर होते हैं और आपकी एजिंग स्टार्ट होती है, हेयर कभी आपको पता है कि हेयर लॉस स्टार्ट हो जाता है, और उसमें ज्यादा मेंटेनेंस एंड फिर उसमें ज्यादा केयर की जरूरत, बहुत ज्यादा जरूरत, और जो एक्चुअल होना, एक्चुअल है, फिर उसमें आ जाता है ट्रेंड, फिर आ जाता है कि ट्रेंड जैसे कभी स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट हेयर का आ जाता है, कभी कर्ली का आ जाता है, यहाँ पर भीड़ चाल नहीं है। अच्छा। जो सबसे अच्छी बात है, यहाँ पर डिफरेंट हर फैशन जो है, अभी आप देखें स्ट्रेट हेयर का भी चल रहा है, शॉर्ट का भी है, लॉन्ग का भी है, पर्सनैलिटी वाइज, और हर चीज जो है वो ना चल रही है, चल रही है। और हर फैशन मीना हर एक के लिए नहीं होता, ठीक है, इस बात की अगर मैं कह रही थी ना, ऐश्वर्या बना दो, हर कोई हर चीज नहीं
नहीं कर सकता। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि हर पैशन हर एक के लिए नहीं होता, पर्सनैलिटी वाइज। अब जैसा कि इतना अच्छा हो गया काम करते हुए, तो अब इतना आइडिया तो हो ही गया हमें कि पर्सनैलिटी वाइज कौन क्या कैसे कैरी कर सकेगा। हम ये भी कह सकते हैं देखकर पर्सनैलिटी कि ये बंदा कैरी कैसे कर सकेगा या नहीं। समटाइम्स ऐसे चैलेंज हमारे सामने आ जाते हैं कि लोग चाहते हैं कि नहीं, मैंने खुद फेस किया इसमें ना, और एक दो बैड एक्सपीरियंसेस हैं मेरे साथ, और जिसने मुझे बहुत ज्यादा पॉलिश भी किया और मुझे और भी सिखा दिया कि नहीं, वो लोग चाहते हैं कि हमें ऐसा ही करें। वो ये समझते हैं कि हम कर नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं होता शमीना, कि ऐसा नहीं है कि आपका प्रोडक्ट है आप हार्श प्रोडक्ट यूज करें और आप एकदम रिजल्ट तो दे दें और वही चीज आप पर नहीं सूट कर रही है। तो आई विश के हमारे जो व्यूअर्स हैं ये समझ जाएं कि थोड़ा सा डिपेंड करें आप अपने स्टाइलिस्ट पे, कि थोड़ा सा जो भी वो गाइड करेंगे वो बेस्ट ट्राई करते हैं अपना। ये चीज आती है मेकअप आर्टिस्ट के लिए, हम पे मुझ पे मैंने भी यही नोटिस किया, जब क्लाइंट्स हम पे छोड़ते हैं काम बहुत अच्छा होता है और जल्दी फिनिश होता है। जब बीच में इंटरफेरेंस होती है तो फिर बस की आदत होती है ना, काला इधर से कर दो, पहले तो बोलेंगे मेकअप ना करो। मुझे तो मैंने अभी देखा हुआ है खुद लोगों से कि नहीं नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए मेकअप, आप हमें सिंपल सा करें। लेकिन सिंपल में एंड ऑफ द डे वो जब मेकअप करे खड़ी होती है तो हर चीज लगी हुई होती है, राइट? कि दे विल लाइक दिस, दे विल लाइक दिस, नहीं नहीं थोड़ा डार्क कर दो, थोड़ा आईलाइनर लगा दो। टाइम वेस्ट होता है, हम लोग नर्वस कंफ्यूज भी हो जाते हैं, समझ नहीं आता व्हाट दे वांट देन, राइट? वो खुद को नहीं उनको पता होता कि भाई हमें पहले आते साथ ही 80% मेरे ख्याल से मोस्टली औरतें आपको यही बोलती हूँ कि मैं भी बोलती हूँ कि ज्यादा ना करना। हाँ जी, एंड ऑफ द डे जब वो खड़े होते हैं तो हर चीज लगी हुई चाहिए होती है, ये नहीं लगाया वो नहीं रह गया, अच्छा ये रह गया, राइट? कभी कभी ये अपने आईलैशेस भूल गए, इसीलिए फिर मैं कह रहा यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन आ जाती है, उनसे बात करते रहते हैं हम लोग। अच्छा, अब मुझे एक, क्योंकि गुल ने तो हमारे शो में हमें बहुत सारी चीजें बताई हैं कि किस तरीके से आपको बालों का ख्याल रखना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन से ब्रश इस्तेमाल करना चाहिए, हमने तो ब्रशेस के बारे में बहुत बात की थी गुल से। मुझे आप ये बताओ कि हमारे पास, अगर मेरे पास मेकअप है, ठीक है, और मैं जब मेकअप यूज कर रही हूँ, अब मैं, आपने जैसा कहा कि मस्कारा लेके चलो और लिपस्टिक लेके चलो, अच्छा अब जब मैं लेके गई तो मेरा मस्कारा तो ड्राई है बिल्कुल, तो बात जमा होते हैं कुछ लोग के कहते हैं अभी छोड़ो कौन पैसा खर्च करे, नेक्स्ट टाइम ले लेंगे। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि कोई मस्कारा खत्म हो जाए या कोई लिपस्टिक खत्म हो जाए तो क्या किया जाए, मस्कारा को कैसे देखें? अगर मस्कारा फिनिश हो गया तो डिस्कार्ड करते हैं अगर हाँ, अगर इमरजेंसी, अगर आपको लगता है आपने अभी लिया था फ्यू मंथ्स पहले, वो ड्राई हो जाता है, क्यों? हम लोग उसको जब खोलते हैं उसमें एयर चली जाती है या पंप कर रहे होते हैं, यस, सो डू नॉट खोल कैसे, पंप नहीं करना, उसको रोटेट करना होता है। फिर वो जब अगर इनकेस ड्राई हो जाए, अगर आप कहीं स्टक है तो हॉट वाटर लें उसमें थोड़ा बोल में, उसमें उसको थोड़ा सा डिप करते हैं, छोड़ दें तो थोड़ा बहुत निकल ही आएगा, आपका काम चल जाएगा। अच्छा, या तो फिर इसको यूं ना करें, इसको घुमाएं घुमाएं। अच्छा, जैसे कि लोग होते हैं कि भाई खत्म हो गया, इसीलिए जल्दी ड्राई हो जाता है। अच्छा, उसमें क्वांटिटी प्रोडक्ट होती है उसके अंदर, फिर प्रोडक्ट में अगर गर्म पानी डाल के गर्म में डाल लें, या फिर कुछ लोग ये भी करते हैं कि थोड़ा सा लेंस सोल्यूशन वगैरह भी डाल लेते हैं, कुछ लोग ऑयल के ड्रॉप्स भी डाल लेते हैं, फिर थोड़ा बहुत यू कैन मेक इट, यू कैन मेक इट। और इस तरीके से आप क्या समझते हो कि अगर हम ब्रश के ब्रशेस लें तो ब्रशेस हर प्रोडक्ट के लिए अलग यूज करना चाहिए कि एक ही ब्रश से सारा काम हो जाता है? नहीं, एक से तो नहीं होता। आईज के ऑफ कोर्स स्मॉल ब्रशेस होते हैं, प्रिसाइज, जो कुछ थिन भी होता है, आईलाइनर का अपना अलग, ब्लश और ब्रश पाउडर फाउंडेशन का अलग होता है, एक सेट ले लें इट्स इनफ। बट ये कि उसकी मेंटेनेंस है, उसको क्लीन करके रखें तो लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। किस तरीके से करें? देखिए, पूछ रही हूँ कि ऐसे कहेंगी कि लेडीज हमारी जब देख रही हैं कहेंगी कि इनसे टॉपिक का पूछ रही है, थोड़ा सा हमें ये भी बता दे ब्रशेस कैसे सेव करना। ब्रशेस, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल, वो लोग केयर नहीं करते, एक ही ब्रशेस गंदे हुए हुए होते हैं, फाउंडेशन ब्रशेस एंड ऑल दैट, उसको सालों साल वो उसी को सेम यूज, उससे आपको पता नहीं कितना बड़ा खतरा है स्किन को, फंगस और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, गॉड फॉरबिड व्हाटएवर, यू नो, स्किन के साथ बहुत बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बहुत लोग कर देते, दे डोंट केयर, वो गंदे स्पंजेस यूज कर रहे होते हैं, कहते हमारा ही तो है, पर्सनल तो है, बट नहीं, इतना अक्यूमुलेशन हो रहा था उसमें बैक्टीरिया का। उसके लिए जो है ना, एक तो ब्रश क्लीनर्स आजकल मिलते हैं वेरी इजी, यू नो, या फिर अगर आपके पास वो नहीं था, 99% अल्कोहल होता है उसमें, 70% वाटर या अल्कोहल डाल के 30% वाटर, इस तरह से आप उसको स्प्रे कर सकते हैं, या फिर उसको वॉश कर लें शैम्पू एंड कंडीशनर से, उसको ले फ्लैट तो वो
ड्राई हो जाता कि कोई बैक्टीरिया अगेन अंदर उसमें एक्युमुलेट ना हो। अच्छा, तो किसी बर्तन में, किसी स्ट्रेट बर्तन में लेके ब्रशेस को सोप और मुझे मालूम है, मैं भी शामिल हूँ उसमें, बहुत कम ब्रश हम साफ करते हैं, हमने एक ही चीज से इधर यहाँ भी लगा लिया, यहाँ घर में तो हम लोग सब ये कर लेते हैं, जो चार पांच ब्रश है वो चल रहे होते हैं सालों, मेरे ब्रशेस इतने सालों पुराने, लेकिन आई टेक केयर ऑफ देम, तो इतने ब्रांड न्यू जैसे ही लगते हैं। अच्छा, तो और आजकल तो वैसे ही हाइजीनिक चीजें और कोविड के बाद से सिखा दिया है साफ करने को, डिस्पोजेबल भी नहीं। वैसे कोविड ने बड़ा अच्छा, फिर दोबारा आपने याद किया, कोविड ने हमें भी इतना ज्यादा मतलब यूज टू कर दिया है कि हम लोग कॉन्शियस होते हैं अस्मिना। जैसे मैं भी यूज करती हूँ कॉम यूज की, ब्रश यूज की, जरा भी मुझे फील होता है तो मुझे फौरन होता है, इवन मैं सीजर को भी करती हूँ। पर ये चीज जहाँ पर उसके मतलब बैड इफेक्ट थे वहां पर बहुत अच्छे तो हमने यहाँ पर एक चीज तो एडमी से सीख ली कि ब्रशेस को हम शैम्पू और कंडीशनर से भी धो सकते हैं, और फाउंडेशन वाले ब्रशेस हैं उनको तो हम डिश वॉशिंग लिक्विड में भिगो के रख दें, फिर उसको अच्छी तरह से रब कर लें, उसी वक्त वॉश कर लें। अच्छा, तो सारा लिक्विड उसमें वो सल्फेट बहुत ज्यादा होता है ना। अच्छा, तो अगर सस्ता सा आपने डिस्पोजेबल फोम लिया या डिस्पोजेबल ब्रश लिया तो वो गल जाएगा, वो उसको ना करें। नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं होता, गलेगा नहीं, लेकिन ये कि वो अच्छा उसके अंदर से स्पेशली जो ऑयली जो है आपकी प्रोडक्ट को अच्छी साफ करे। अच्छा, तो अच्छा वाला वो जो वॉशिंग डिटर्जेंट लेके कहीं ऐसा ना कीजिएगा कि वॉशिंग मशीन में डाल दीजिएगा आप प्लीज उसको। आई सॉ ट्रेंड, लोगों ने वॉशिंग मशीन में डाल दिया, राइट? तो वॉशिंग मशीन में डालिएगा उसको, लेके आराम से होना, वो भी वॉशिंग मशीन सारा चेक ना हो जाएगा। ठीक है, तो नाजरीन मैं यहाँ लेती हूँ अगेन एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर आती हूँ और अपना प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इनसे दोबारा से बात। बातों ही बातों में इज प्रेजेंटेड बाय के Travels, your one-stop travel shop, co-presented by Swagat Banquet Hall, a place where hospitality matters. Welcome back, Nazreen. आप देख रहे हो प्रोग्राम बातों ही बातों में, presented by KK Travels. KK Travels, your one-stop travel shop. और KK का फोन नंबर है 6479245299. They work 24/7 for you. तो आपको कोई भी काम है, आप जरूर उनसे कॉल कर लें अपने ट्रैवल नीड्स के साथ. Co-presented by Swagat Banquet Hall, a place where hospitality matters. स्वागत बैंकर हॉल का फोन नंबर है 9058219688 6473893549 पर आप फातिमा को भी डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, और अपना कोई भी इवेंट आ रहा है उसके आप जाके उनसे मालूमात कर सकते हैं। तो नाजरीन, अब मेरे प्रोग्राम का थोड़ा सा ही वक्त रह गया, मेरे पास सवाल तो बहुत ज़्यादा बाकी हैं इन लोगों के लिए, बहुत सी चीज़ें पूछनी है मुझे, लेकिन अब मैं छोटा छोटा सा और पूछूंगी आप लोगों से, आपको ज़्यादा और टाइम नहीं लगाऊंगी आपका, क्योंकि आप दोनों बड़ा टाइम निकाल के आए हो मेरे पास। अब मुझे एक ये बात बताओ, आप लोग ठीक है आप फ्रीलांस करते हो, अब माशाल्लाह गुल ने तो अपना सेटअप कर लिया है राइट, लेकिन आप अभी भी फ्रीलांस करते हो एंड यू आर बिजी ऑन दैट। अब आप मुझे ये बताओ कि आप लोग दोनों जब कोई शादी की पार्टी होती है या बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं या कोई जैसे फैशन शो के, तो हमने बात कर ली ठीक है, अब आप जब घरों में जाते हो लोगों के, तो हाउ डू यू फील, कैसा लगता है आपको? क्योंकि लोग समझते हैं कि कोई किसी के घर में जाके करना भी एक बड़ा मोबाइल टाइप है, तो आपको कैसा लगता है, हाउ डू यू एंजॉय, आपको भी अगेन वही डिफरेंट कल्चर मिलते हैं उसमें? ऑफकोर्स जब हम ट्रैवल करते जाते हैं लोगों के कंफर्ट जोन के हिसाब से, बिग पार्टीज होती हैं तो वो बजा के हमारे पास वेट करें, हम उनके कन्वीनियंस पे हम लोग को होता है कि वो अपना किसी का टाइम वेस्ट ना हो और या तो ज्यादातर दुल्हने भी करते हो पूरी फैमिली का मिस, पूरी फैमली या उनके सारे जितनी औरतें होती हैं सब आ जाते हैं जी, यस बिल्कुल। ऐसा होता है एक्चुअली कि हम लोगों ने एक सर्टन रखा हुआ है कि कितने मतलब मेंबर्स होंगे तो फिर हम लोग ट्रैवल करेंगे। अच्छा। पर और भी हमारे साथ जो है वो हमारी टीम में मेंबर्स हमारी है, हम अकॉर्डिंग टू मेंबर्स फिर हम लोग जाते हैं। पूरे GTA में हम डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में ट्रैवल करते हैं, मस्कोका भी एंड डेस्टिनेशन वेडिंग्स भी करते हैं। तो नाज़रीन ये याद रखिएगा, गुल और इरमी दोनों जो है डेस्टिनेशन वेडिंग्स भी करते हैं, और आजकल जो सीजन चला हुआ है, रजब महीना है हमारा, रमजान का महीने से पहले हमारी बहुत सारी शादियां होती हैं या रमजान के फौरन बाद बहुत होती है, अगर आप में से किसी को हो तो आप जरूर देखिएगा और इनसे कॉल कीजिएगा, इनका फोन नंबर आपके हमारे पास
स्क्रीन पे आ जाएगा। दूसरा मुझे ये आप लोग बताओ कि ठीक है आप लोग वहाँ जाते हो, ट्रैवलिंग करते हो, सब कुछ करते हो, अब इसके साथ साथ एक और चैलेंजिंग क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ आपसे। यहाँ भी मुझे ये भी पता चल गया आप मॉडलिंग का भी करते हो, आप ब्राइडल भी करते हो, आप घरों पे जाके भी करते हो, आप घर फैशन फोटोग्राफी पूरी फैशन फोटोग्राफी सब आप माशाल्लाह करते हो, यू आर वेरी वेल नोन इन टू इट। अब आप मुझे ये बताओ कि आपने जो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है, लोग पूछते हैं कि इरमी हमें सिखा दो, गुल हमें सिखा दो, तो आप लोग क्या कोर्सेज करते हो, आप सिखाते हो लोगों को और किस तरीके से सिखाते हो, ये जरा मुझे बता दो। जी हम लोग कोर्सेज भी ऑफर करते हैं, मतलब मैंने स्कूल्स वगैरह में भी यस ट्रेन किया है और प्राइवेटली भी जैसे लोग मुझसे करना चाहें कोर्सेज या गुल्स हैं, हम लोग ये हेयर मेक करती हैं मैं और मैं मेकअप का उनको ट्रेन करती हूँ। और अगर किसी को पर्सनल ग्रूमिंग का भी कोर्स करना है, ब्राइडल है या इंडस्ट्री में यू नो दे वांट टू वर्क विद अस और खुद भी अपना फ्रीलांस करना चाहें, पूरे कोर्सेज हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेज है अवेलेबल। तो इसका मतलब है अगर समझे कोई एक सीनियर बंदी आती है, क्योंकि बाज दफा ये होता ना कि जैसे आपसे पहले बात हो रही थी कि एक यंग लड़की को इतनी जरूरत नहीं होती, एक एज होता है राइट, जैसे जैसे हम मैच्योर होते जाते हैं हमारे को स्किन के ऊपर ज्यादा काम करना पड़ता है, इट्स मोर चैलेंजिंग मोर डिफिकल्ट। तो जो खुद बंदा होता है उसको पता होता है कि मेरी यहाँ रिंकल है या मेरा उधर रिंकल है, मुझे ये चीज छुपानी है, सो आई लुक मोर ग्रेसफुल राइट। ये नहीं होता कि हम ब्यूटिफुल बट ग्रेसफुल भी मेकअप होता है राइट, कि भाई हम जैसे हम लोग कुछ भी कहीं दावत में जा रहे हैं तो अगर हमें पता होता है कि यहाँ से रिंकल निकल रहा है, सो फिर दिमाग में आता है चाहे बोटॉक्स करा लें ये करा लें, लेकिन जब शादी के टाइम पे जाना है तो यू कैन नॉट टेक गो विद दोस मार्क्स। तो वो जो मेकअप अगर आपके पास सीखने आना चाहते हैं तो वो एक पर्सनल ग्रूमिंग में आएगा, वो यस पर्सनल ग्रूमिंग में आएगा, मैच्योर स्किन मेकअप में आएगा वो कैटेगरी। तो उसमें आप क्या क्या सिखाते हो, मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगी। आई मीन देखिए उसमें फिर उनको पूरी नॉलेज देते हैं, हम ट्रेनिंग देते हैं कि स्किन केयर से रिलेटेड और प्रोडक्ट नॉलेज दी जाती है, फिर हाउ टू डू देयर मेकअप ऑन देयर ओन, के वो देखिए मेकअप ज्यादा आपको 10 इयर्स यंगर दिखा सकता है या ऑफ कोर्स बेटर से ज्यादा, तो मैं ये कह रहा हूं उस वक्त ग्रेसफुल लगना होता है, ग्रेसफुल लगना होता है। तो उसमें अगेन चीजें तो सारी ही यूज होती हैं, वही चीजें हैं लेकिन सारे स्टेप्स क्या है सिमिलर ही है। ठीक है, इसका मतलब आपका कहने का मतलब है कि यू विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच टू एंड, आप ये समझते हो कि आपके पास कोई आया है उसको कुछ नहीं आता, मुझे सारा बताना है, सारा बताना है, ठीक इस तरीके से। और जब इसी तरीके से कोई खाली, तो खाली ब्राइडल का भी आप सिखा सकते हो या यू गो विद द होल कोर्स? देखिए डिपेंड करता है, किसी को बेसिक नॉलेज है ऑलरेडी तो फिर एडवांस कोर्सेज की तरफ आते हैं, अगर नहीं है तो दे हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स एंड देन एडवांस, क्योंकि जंप नहीं मार सकते अगर चीजें से नॉलेज ही ना हो। और फिर वो चाहें कि भाई मैंने मेकअप सीख लिया अभी, मैं आप मुझे भी मेरे साथ अपने साथ रख लिया। यस डिपेंड्स ऑन के वो किस उनके पैशन में देखती हूँ, उनके उनकी मेहनत देखती हूँ, अगर वो अच्छा काम करते हैं व्हाई नॉट, हम उनको पहले चांस देते हैं। अच्छा, ताकि वो आपके साथ जा सके। बिल्कुल, क्योंकि सम टाइम जब हम लोग जाते हैं तो हमें टीम की जरूरत होती है, तो फिर यही हम लोगों को पता होता है कि यही लोगों को फिर हम अपने साथ उनको प्रेफरेंस देते हैं। जैसे भी आप पूछ रही थी मेकअप का भी पूछ रही थी और सेम हेयर का भी, कि देखिए जो टिकटॉक और बाकी वीडियोज लोग देख कर उसमें से बहुत ईजी लगता है, मगर जब आप यकीन करें जब आप सेल्फ ग्रूमिंग के लिए हेयर और मेकअप किसी चीज के लिए भी जाते हैं, उसके लिए क्या होता है कि हमें पर्सन बाय पर्सन उनकी पर्सनैलिटी वाइज उनकी मतलब के लुक वो कैसी चाहते हैं, उनके हेयर कैसे हैं, उनको क्या लुक चाहिए और कैसा उनको सारा मेगा हर चीज का इंटरेस्ट देखने पर सारा आपको डिटेल से, क्योंकि देखें चीजें बाय मैं आपको बताऊं कि मेरे पास जब बच्चियां आती हैं तो मैं देखकर हैरान हो जाती हूँ उनके पास कितना ज्यादा और हर ब्रांड का मेकअप है। हाँ तो वो यही ना, तो कि जब मतलब बात नहीं है काफी कि ना उसको यूज कैसे करना है। आई नो अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स ये सो अपना मेकअप समटाइम्स लेकर इतना मेकअप कुछ के पास मैंने देखा है कि मुझसे भी ज्यादा मेकअप होता है, लाइक उनको यूज भी करना नहीं आता, वो दो या तीन चीजें यूज कर रहे होते हैं बस। वो एक तो ये ट्रेंड भी जो बात हो रही थी ना, जो मैंने नोटिस किया है कि वो दिखा जो टिकटॉक्स ये सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, समटाइम्स इतना से अच्छा भी है तो इतना से बुरा भी है, बिकॉज उनको हर चीज अट्रैक्ट कर रही होती है, वो जाके बाय कर लेते हैं, फिर उनको सूट नहीं करती है, वो पढ़ा लेता है चलो नया ट्रेंड नई चीज बता रहे हैं वो जाके ले आते हैं, उस तरह दे आर वेस्टिंग द मनी एंड घर में सामानों की एक्सपायर हो जाता है विद इन 6 मंथ्स यू नो, तो
they're wasting the money और सारी efforts वगैरह, तो उनको समझ नहीं आ रही होती है. तो इसका मतलब यही bottom line बात आ गई कि आपने अगर किसी ने कोई makeup करना है, कोई style करना है या कुछ करना है, तो videos और TV को देखो आप, वो अगेन फिल्टर्ड होता है, सब कुछ फिल्टर्ड होता है, फिल्टर्ड होता है. इतना एक सेकंड में आदमी 15-20 मिनट में इतना अच्छा मेकअप करके नहीं निकल सकता. दूसरी बात ये कि इसके इससे एक और बात भी पता चलती है कि अगर वही बात आ जाती है कि हर चीज में, चाहे कोई भी जिंदगी का काम हो, एक्सपर्ट से जरूर मालूम करना चाहिए. अगर आपको समझ में नहीं आ रही है कोई चीज, तो आप बजाय ब्यूटी पे और उस पर यूट्यूब पे और जाके देखो कि मेरे लिए क्या सही है, आप किसी और को जगह, वो तो जनरल बता रहे होते हैं अपना एक पैशन. आपकी स्किन को वो थोड़ी नोट कर रहे हैं, कि आपको खुद को कभी नहीं पता होगा कि आपकी स्किन, देखिए अंडर टोन्स देखनी पड़ती है, सारा कुछ देखना पड़ता है, एवरी टाइम स्किन चेंज हो रही होती है अकॉर्डिंग टू द वेदर, अकॉर्डिंग टू दिस. जब आप सिखा रहे हो किसी को, तो आप यही सिखाओगे ना कि देखो ये जो है, इस गर्मियों में तुमने ये करना है, सर्दियों में तुमने ये करना है, वेदर के हिसाब से भी. अब हम इतने साल के हो गए तो हमें पता है कि स्किन जो है वो चेंज होती रहती है. यंग जनरेशन जो बच्चे आजकल, तो बहुत यंग एज, 8-9-10 साल की लड़कियां जो हर चीज कर रही होती हैं, राइट, दे आर सो एक्साइटेड टू सी ऑल दोस मॉडल्स ऑन यूट्यूब और इस पे, उसको हर चीज का उनको पता होता है. लेकिन ये है कि यही बात आ जाती है नाज़रीन कि हम लोग को हमेशा, जब मेरी कोई बात होती है, तो कुछ भी आप करें तो अपना एक्सपर्ट से मालूम कर लें, तो आपके पैसे मजीद बचेंगे, ना कि आपके मजीद पैसे जाए होंगे. क्योंकि जो आप फालतू का मेकअप खरीद रहे होते हो, वो आपका जाया ही हो रहा होता है, क्योंकि जैसे चलो आपने परफ्यूम लगाते हैं लोग, तो एक या दो ले रहा होता है, राइट, वही कंटिन्यू कर रहा होता है कि मिर्ची ये कभी कभार चेंज कर लिया. लेकिन इसी तरीके से लिपस्टिक भी है, तो आदमी को पता होता है अपना शेड क्या है, लेकिन नाइट का शेड, डे का शेड अलग होता है. तो ये एक्सपर्ट्स होते हैं जो आपको बताते हैं. बालों के लिए एक्सपर्ट्स का ड्राई हेयर कब है, सर्दियों में क्या है, गर्मियों में क्या है, ये तो गुल से बहुत पूछ चुकी हूँ मैं. तो ये सब चीज़ें आप अगर एक्सपर्ट से मालूम करते हैं, तो आपकी खुद की ब्यूटी, वही एक बात है खूबसूरत नजर आना, और किस तरीके से खूबसूरत नजर आना भी एक आर्ट है, राइट. तो फिर मैं आप दोनों का यहाँ शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग आए, और मुझे जल्दी से वाइंड अप करना पड़ रहा है, क्योंकि फिर अगर दोबारा हम औरतों की बातें शुरू हो गई तो बहुत लंबी बहस में चले जाएंगे हम लोग. तो नाजरीन, इर्मिका और गुल का जो है, दोनों का फ़ोन नंबर भी आ जाएगा स्क्रीन पे, आप देखिएगा, और आपको कोई भी काम हो आप ज़रूर इन दोनों को कॉल कर सकते हैं, या आप हमें भी कॉल कर सकते हैं. तो इंशाल्लाह फिर मिलूंगी अगले हफ्ते एक और मेहमान के साथ. जब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़. मैं हूँ समीना, और अपना प्रोग्राम लेकर आई हूँ बातों ही बातों में. बातों ही बातों में इस प्रेजेंटेड बाय के ट्रेवल्स, योर वन स्टॉप ट्रेवल शॉप, को प्रेजेंटेड बाय स्वागत बैंक्वेट हॉल.